डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और मैं लाया हूं आपके लिए अगला सवाल स्ट्रेट लाइन चैप्टर जो कि क्लास 11 सीबीएसई में पढ़ाया जाता है। एमपी बोर्ड और दूसरे बोर्ड में भी ये क्लास 11 का टॉपिक है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर उसका सब टॉपिक है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 10.3 एनसीईआरटी का और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। एंड द क्वेश्चन इज दिस, इस तरह से है, इफ पी एंड क्यू आर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ओरिजिन टू दीज टू लाइंस। एक लाइन ये दी हुई है, आप देख रहे होंगे x sec थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा एंड द सेकेंड लाइन इज दिस। और हमें प्रूव करना है पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो ये हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है 10.3 का क्वेश्चन नंबर 18 जो कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पे है और वो है 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। उसी तरह का ये भी सवाल है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पे बेस्ड, लेकिन इसकी डिफिकल्टी लेवल उससे कुछ थोड़ी सी ज़्यादा है, पर बड़ा आसान है। आप इसे देखेंगे, बड़े मज़े से हम इसको प्रूव कर देंगे बहुत ही आसान तरीके से और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा लगेगा। इसके लिए आपको पहले जानना होगा कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मालूम होगा, अदरवाइज मैं आपके लिए फिर एक बार लिखता हूँ कि व्हाट इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट अल्फा बीटा टू अ लाइन, कोई भी लाइन ले लेते हैं अपन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। मॉड ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई खास बात नहीं। आप देख रहे होंगे कि एक्स इज रिप्लेसिंग अल्फा, y इज रिप्लेस्ड बाय बीटा, x की जगह अल्फा आ गया, y की जगह बीटा आ गया, प्लस c एज इट इज, राइट साइड मस्ट बी जीरो। राइट साइड का ध्यान रखिए, जैसे राइट साइड यहाँ पर k cos 2 थीटा, तो हम इसे लेफ्ट में ट्रांसफर कर देंगे, तो राइट साइड मस्ट बी जीरो, तब ये फार्मूला लगेगा। और ये फार्मूला है, ये वैल्यू है, एंड दिस शुड नॉट बी इक्वेटेड विद जीरो। ये केवल हमने इसका उपयोग किया है, लेफ्ट साइड का, इसका x की जगह अल्फा, y की जगह बीटा, और c एज इट इज है, और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब आपको, अब जो हमें दिया हुआ है कि ओरिजिन से, मान लीजिए कि ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, इससे इस इक्वेशन पे, इस लाइन पर जिसकी इक्वेशन ये है, क्या इक्वेशन है उसकी, थोड़ी सी मॉडिफाइड वे में लिखे, cos थीटा x प्लस माइनस साइन थीटा वाई, राइट साइड मस्ट बी जीरो, तो के कॉस टू थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये हमारी इक्वेशन है। अब हमें क्या दिया हुआ है, वी आर गिवन दैट दिस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन इज पी, तो पी इसके बराबर है, तो पी में पी इक्वल टू क्या होगा, पी इक्वल टू होगा कॉस थीटा इंटू एक्स की जगह जीरो प्लस माइनस साइन थीटा इंटू जीरो प्लस सी। अब प्लस सी की जगह हमारे पास है माइनस के कॉस टू थीटा, देयरफॉर माइनस के कॉस टू थीटा विल रिमेन एज इट इज। इसका थोड़ा सा हमने इस तरीके से लिखा ताकि आपको वो फॉर्मूला लगाने में सुविधा हो, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। अब ए आप देख सकते हैं, व्हाट इज ए हियर, ए इज कॉस थीटा, कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी इज माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर और मॉड। अब देखिए पी इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, दिस बिकम जीरो, जीरो बीइंग मल्टीप्लाइड विद जीरो। अब आपके पास केवल बचेगा माइनस के कॉस टू थीटा और ये मॉड्यूलस उसे प्लस बना देगा, तो ये हो जाएगा के कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय
रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। पी इज इक्वल टू के टाइम्स कॉस टू थीटा, और आपको मालूम है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए डिनोमिनेटर में 1 है, और डिनोमिनेटर में 1 है तो लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें दो पार्ट निकालने थे, पी भी निकालना है और क्यू भी निकालना है, तो ये हमारे पास आई पी की वैल्यू के कॉस टू थीटा। अब हम निकालते हैं क्यू की वैल्यू, तो क्यू की वैल्यू के लिए भी यही फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक्चुअल फिगर नहीं बना रहे, आप एक प्रोविजनल फिगर से काम चला ले, और अगर आप फिगर ना भी बनाएं तो भी ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है। ओरिजिन से इस लाइन पे x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू k, तो इसको भी हम थोड़ा सा सही ढंग से लिखते हैं, sec थीटा x प्लस cosec थीटा y माइनस k इक्वल टू जीरो, ये लाइन की इक्वेशन है, और q लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, तो q का वैल्यू इसी फॉर्मूले से sec थीटा इंटू जीरो प्लस cosec थीटा इंटू जीरो माइनस k अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए sec थीटा है तो यहां होगा sec थीटा होल स्क्वायर प्लस cosec थीटा होल स्क्वायर, और उसका है मॉड्यूलस। देखिए फर्स्ट जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाइड है, सेकेंड भी जीरो, माइनस के बस बचेगा, और बीइंग दिस मॉड्यूलस इट विल बिकम प्लस, और डिनोमिनेटर में आएगा आपके पास sec रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, क्योंकि sec थीटा होल स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा सेम है। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, q इज इक्वल टू k अपॉन रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा इज 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब रहा सवाल एलसीएम लेने का, एलसीएम ले और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये मैं आगे इसको रब करके करता हूँ, आप देखिए। पी की वैल्यू हमें उपयोग में आएगी, इसको नहीं रब करते, क्यू की वैल्यू आई है, आप देखिए क्यू इज व्हाट, क्यू इज 1 के अपॉन रूट ऑफ, अब वहां एलसीएम भी ले लें, एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के अपॉन रूट ओवर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यू नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों गायब हो गए। अब अपॉन के अपॉन में है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा के साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये वैल्यू आई हमारे पास किसकी, क्यू की। तो दिस इंप्लाइज क्यू इज व्हाट, क्यू इज के साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है पी स्क्वायर प्लस फोर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, देयरफॉर नाउ पी स्क्वायर प्लस
फोर क्यू स्क्वायर. वी कैन यूज दिस वैल्यूज, पी का ये वैल्यू और क्यू का वो वैल्यू यहाँ पे यूज करें. पी की वैल्यू है आप देखिए के कॉस टू थीटा, और बींग स्क्वायर आप ऐसा लिखें के कॉस टू थीटा होल स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स वैल्यू ऑफ क्यू के साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर. अब इसका उपयोग कर चुके हैं, इसे रब कर सकते हैं. इज इक्वल टू के स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस फोर इंटू के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. के स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा. कॉस स्क्वायर थीटा को आप एक साथ ऐसा लिख दें टू साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर. अब देखिए आप क्या आया आपके पास के स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर टू थीटा. व्हाई? बिकॉज टू साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन टू थीटा. साइन टू थीटा. अब अगेन वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज वन, कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर टू थीटा इज वन, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज वन. देयरफॉर इट विल बी के स्क्वायर इंटू वन विच इज के स्क्वायर. तो अब हमने प्रूव कर दिया मेरे दोस्तों पी स्क्वायर प्लस फोर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर. इसी तरह से हम आगे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पर बेस्ड करेंगे. आप अपने कमेंट्स जरूर लिखिए. मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिले.